इसमें क्या होता है टर्मिनेट्स उनको आपको एनेबल करना पड़ता है, ठीक है। वैसे अगर आप सीए देखना चाहते हो, देखो टूल्स में आ जाओ, यहाँ पे आपको सीए नजर आएगा। सीए को ओपन करने के लिए टूल से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन सीए का असल में आपने अगर सीए को देखना है तो आपको मैनेजमेंट कंसोल में जाना पड़ता है, ठीक है। अब ये है जी रेवोकेशन लिस्ट सबसे ऊपर, यहाँ पे जो सीए आपका एक्सपायर हो रहा है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद इशू सर्टिफिकेट, कोई भी इशू नहीं है इसमें। पेंडिंग रिक्वेस्ट, पेंडिंग में फेल्ड अगर है, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स होते हैं, ये सारे टेम्पलेट्स हैं। इस टेम्पलेट को अपने हिसाब से बने, अगर वेब सर्वर को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो ये टेम्पलेट को आपको निबल करना पड़ता है, ये वेब सर्वर। कंप्यूटर को देना चाहते हैं तो ये करना पड़ता है, अगर DFS यूज़ करना चाहते हैं तो ये करना पड़ता है, ठीक है। हर एक डिफरेंट है, डोमेन कंट्रोल का डिफरेंस होता है, हर एक टेम्पलेट डिफरेंट होता है, ठीक है। इस टेम्पलेट में भी वर्किंग करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद वैसे सी ए को देखना चाहते हैं, ठीक है ना, एक तो सी ए आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। सी ए में प्रॉपर वर्किंग करना चाहते हैं तो प्रॉपर वर्किंग यहाँ से नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, मैनेजमेंट कंसोल में, ठीक है। लेकिन उससे वैसे है कि पहले इसको चलो मैं पहले दिखा दूँ, बाद उसको पता चलेगा। इसमें आ जाए एड एक्सपेंस में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेट को ऐड करें, ठीक है। पहले किसी भी सर्टिफिकेट चाहते हो, मेरा फर्स्ट कलर कंप्यूटर करिए, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। फिनिश करता हूँ, ठीक है। ये सर्टिफिकेट दिया, ठीक है। पहले इसको ओपन करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। ये सर्टिफिकेट ओपन करता हूँ, ये सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स और फर्स्ट, ठीक है। दैट सर्टिफिकेट, ठीक है। हो जाए कंप्यूटर किसी क्लाइंट को कैसे देंगे ना? ये सारे सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, जो कि आप इसमें काम करना चाहते हैं। यू रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आर टास्क में करें, ठीक है। रिक्वेस्ट में सर्टिफिकेट करें, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और एडिंग मोड भी कर सकते हैं, एडिंग मोड पढ़ना चीज़ें आ जाएंगी, वो यू आर ऑप्शन पूछेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कर लो, ठीक है। ये मोबाइल कंट्रोल को देना चाहते हैं, कहते हैं ठीक है। ई मेल एप्लीकेशन को देना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन को देना चाहते हैं, ठीक है। अभी ये आपको चार ही दे रहा है, अगर आप रिमेनिंग भी सर्विसेज में लेना चाहते हैं तो शो आर टेम्पलेट्स, देखिए नीचे सब अभी क्रॉस लगा रहा है, देख रहे हैं। हाँ, ये राइट्स नहीं है, इसको राइट्स को कैसे चेंज किया जाता है, सीए एक्सचेंज के लिए अगर आप देना चाहते हैं, एक्सचेंज के लिए भी सीए यहीं पर दिया जाता है, ये कंप्यूटर के लिए दिया जाता है, सब इसमें डिसेबल, देख रहे हैं। ये असल में देखना कि इसको इनेबल कैसे किया जाता है, मैं इसमें ये वाला इनेबल करके दिखा दूँगा आपको वेब सर्विस, ठीक है। ये एक का पता चलेगा आपको समझ आएगी कैसे इसमें इनेबल करते हैं, ठीक है। तो इनेबल करने का मकसद क्या होगा, उस सर्विस के लिए आप सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते, उस सर्विस के लिए। वेब सर्वर का क्या मतलब है, क्या मतलब वेबसाइट के लिए, क्लाइंट का भी पूरा बता दूंगा, ठीक है। DFS का भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, खुद एडमिनिस्ट्रेटर कैसे सर्टिफिकेट बना, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद आप बात कर रहे हैं किसकी, क्लाइंट की, सर यूजर, ये यूजर मेरा, ठीक है। ये नीचे यूजर में सबसे पहले इसको आना चाहिए, इंसान खुद कर रहा हूँ, खुद इंसान इतना बड़ा कंफ्यूज होता है।
क्योंकि वैसे सर्टिफिकेट देखने के लिए मैं बाहर रखा होता है, लेकिन सर्टिफिकेट आपने जब जनरेट करें आपका एम एम सी में आना पड़ेगा और हर एक ग्राहक के रिटर्न है। से 15 है सर, मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे नहीं, तो फ्राइडे ऑन है और सैटरडे भी गवर्नमेंट ऑन है। खान जी की बड़ी मेहरबानी है। कहेगा ये कुर्बानी मेरा खाता है यार, क्यों इतने जानवर जो मर्जी गवर्नमेंट में जाए